नमस्कार साथियों, आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है अन्वेषण उपागम, इंक्वायरी अप्रोच। आखिर अन्वेषण उपागम क्या है? अन्वेषण उपागम अध्ययन का एक ऐसा उपागम है जिसका प्रयोग विज्ञान के विद्यार्थी और विज्ञान के अध्यापक नए ज्ञान की खोज के लिए, समस्या समाधान के लिए और विभिन्न प्रकार के कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं। इस उपागम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस उपागम में कारण प्रभाव संबंध स्थापित किए जाते हैं। जैसे प्रश्न हो सकता है, बादल क्यों गरजते हैं? प्रश्न हो सकता है, दिन क्यों निकलता है? प्रश्न हो सकता है, सूर्य क्यों छुपता है? तो सूर्य का छुपना एक घटना है, इसका क्या कारण है? धरती का घूमना। धरती के घूमने का क्या प्रभाव पड़ता है कि हमको सूर्य छिपता हुआ दिखाई देता है? तो इस प्रकार अन्वेषण उपागम में छात्र नए नए प्रश्न करते हैं और नए नए प्रश्न करके उन प्रश्नों के माध्यम से एक कारण प्रभाव संबंध स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अन्वेषण उपागम में शिक्षक की भूमिका समाधान प्रदाता की नहीं होती, अर्थात शिक्षक कोई भी समाधान प्रदान नहीं करता। अन्वेषण उपागम पूर्णतया एक शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है, अर्थात इस उपागम में अध्यापक सबसे पहले छात्रों का किसी समस्या से परिचय कराते हैं, उसके बाद शिक्षार्थी स्वयं आंकड़े इकट्ठे करते हैं और आंकड़े एकत्र करने के बाद वे समस्या का समाधान खोजते हैं। हो सकता है कई बार आपको लगे कि खोज उपागम और अन्वेषण उपागम ये एक जैसे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। खोज उपागम में अध्यापक की भूमिका अन्वेषण उपागम की तुलना में अधिक होती है। कदम कदम पर अध्यापक का मार्गदर्शन मिलता है, परंतु अन्वेषण उपागम में शिक्षार्थी को अधिक स्वायत्तता और अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसीलिए विज्ञान के विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम में अन्वेषण उपागम का प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी बहुत सारे अध्यापकों को सलाह दी जाती है कि वे जब भी कक्षा कक्ष में, खासतौर पर छठी, सातवीं, आठवीं जैसी कक्षाओं में विज्ञान विषय का अधिगम कराएं या विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का नियोजन करें तो वे उस प्रक्रिया में अन्वेषण उपागम का प्रयोग करें। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम अन्वेषण उपागम की बात करते हैं तो अन्वेषण उपागम में प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये प्रश्न शिक्षक नहीं पूछता, ये प्रश्न शिक्षार्थी पूछते हैं। पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में और खासतौर पर संरचनावादी शिक्षण अधिगम तंत्र में ये कहा जाता है कि प्रश्नकर्ता शिक्षार्थी होना चाहिए, अध्यापक उन प्रश्नों के उत्तरों की खोज करने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण और परिवेश प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि अन्वेषण उपागम में प्रश्न पूछने का बहुत अधिक महत्व है। अब यदि प्रश्न पूछने का महत्व है तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि प्रश्न कैसे हों, प्रश्न कौन से हों, प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएं, कैसे शिक्षार्थी आपसे प्रश्न करें। तो ये सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के उपागम में अधिकांश प्रश्न हाँ या ना वाले होने चाहिए। उसका कारण ये है कि यदि प्रश्न हाँ या ना वाले ना हो करके बहुत अधिक व्याख्या वाले, बहुत अधिक विस्तार वाले होंगे तो फिर अधिकांशतः व्याख्या और विस्तार शिक्षक करते चले जाएंगे, जिससे बच्चों को मुक्त चिंतन के कम अवसर मिलेंगे, बच्चों को अपनी सोच को विकसित करने के कम अवसर मिलेंगे, बच्चे शिक्षकों के उत्तरों पर अधिक से अधिक आश्रित हो जाएंगे। ऐसा ना हो इसीलिए कहा जाता है जब हम अन्वेषण उपागम में प्रश्न पूछने के आधारभूत नियमों की बात करते हैं तो उसमें पहला नियम यही है कि अधिकांश प्रश्न हाँ या ना वाले होने चाहिए। दूसरा नियम ये है कि एक बार यदि छात्र को प्रश्न पूछने का अवसर मिल जाए तो
छात्र जितने चाहे उतने प्रश्न पूछ सकता है। जब हम बात कर रहे हैं जितने चाहे उतने प्रश्न, अर्थात जब तक छात्र के मन में प्रश्न आते रहें वह अपने अध्यापक से प्रश्न कर सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आपको विद्यार्थियों के अधिकांश प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देना होता है। साथ ही ऐसे प्रश्न जिनका संबंध किसी सिद्धांत के परीक्षण से हो, अर्थात सिद्धांत के परीक्षण संबंधी प्रश्न, उनका उत्तर आपको नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि यदि आप उनका उत्तर दे देंगे तो फिर विद्यार्थी जब सिद्धांत का परीक्षण करेंगे तो वे किसी एक निश्चित दिशा में जाएंगे, वे विभिन्न दिशाओं में नहीं सोचेंगे, बहुमुखी सोच नहीं होगी। परंतु यदि आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तब वे जब सिद्धांत का परीक्षण करेंगे तो उस परीक्षण से उनको जो परिणाम होंगे उन परिणामों की व्याख्या करके वे स्वयं ज्ञान का सृजन कर सकेंगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी छात्र किसी भी समय किसी भी सिद्धांत का परीक्षण कर सकता है, अर्थात सिद्धांतिक परीक्षण के लिए विज्ञान की प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को किसी भी समय आने की अनुमति होनी चाहिए। इसका कारण है, चूंकि प्रश्न अन्वेषण आधारित होते हैं, बच्चों के मन में किसी भी समय किसी भी प्रकार का प्रश्न उठ सकता है। जब वे किसी सिद्धांत पर चिंतन करते हैं, उसके परीक्षण की प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं, तो हो सकता है किसी समय उनके मन में कोई नए प्रकार की प्रक्रिया जन्म ले और वे तत्काल उसका परीक्षण करना चाहते हों। यदि आप एक निश्चित समय में या सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन या 3 दिन में एक दिन यदि ऐसा कोई समय निर्धारित कर देंगे तो उनकी जो मौलिकता है, उनके मन में जो नए विचार आ रहे हैं, उनके मन में जो नई परिकल्पनाएं बन रही हैं, उनके परीक्षण के उनको तत्काल अवसर नहीं मिलेंगे। साथ ही छात्रों को जो भी आपके प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक उपकरण उपलब्ध हैं, चूँकि 6वीं 7वीं 8वीं के विद्यालयों में बहुत बड़ी प्रयोगशालाएं तो नहीं होती हैं, लेकिन छोटी विज्ञान प्रयोगशाला होती है, उनमें छोटे छोटे विज्ञान के प्रयोग कराए जाते हैं, तो छात्रों को उन प्रयोगात्मक उपकरणों के साथ काम करने की अनुमति आपको सदैव देनी चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चित ही अपने विज्ञान के विद्यार्थियों में एक तो प्रश्न पूछने की उत्कंठा को विकसित करेंगे, वे अधिक से अधिक प्रश्न करना सीखेंगे, वे न केवल प्रश्न करना सीखेंगे बल्कि प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, उन प्रश्नों के जो संभावित उत्तर उनके मन में जन्म ले रहे हैं उनके परीक्षण का प्रयास करेंगे, वे जो परीक्षण कर रहे हैं उन परीक्षणों के प्रेक्षण और प्रेक्षण के साथ साथ उनके विश्लेषण का प्रयास करेंगे, अर्थात उनके मूलभूत कौशलों का, मूलभूत प्रक्रिया कौशलों का बहुत प्रभावी ढंग से विकास होगा। आइए हम प्रयास करते हैं अन्वेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समझने का। अन्वेषण की प्रक्रिया में कुछ मूलभूत चरण होते हैं, जिसमें से पहला चरण है समस्या को समझना, दूसरा चरण है समस्या सत्यापन हेतु आंकड़े, तीसरा चरण है प्रयोगात्मक आंकड़ों का संग्रह, चौथा चरण है परिकल्पना निर्माण, पांचवा चरण है परिकल्पना परीक्षण और छठा चरण है विश्लेषण एवं निष्कर्ष। आइए एक एक चरण पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। पहला चरण, समस्या को समझना। कौन सी समस्या को समझना? जब विज्ञान का अध्यापक विज्ञान के विद्यार्थियों के समक्ष किसी समस्या को प्रस्तुत करता है तो यह आवश्यक नहीं कि उस समस्या के कथन के साथ ही विद्यार्थियों को वो समस्या समझ में आ जाए। तब विद्यार्थी उस समस्या पर चिंतन करते हैं, उस समस्या को जानने का प्रयास करते हैं, वो समस्या किन कारणों से जन्मी है उन कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। ये पहला चरण है जब है समस्या को समझना। फिर भी ये भी देखते हैं कि क्या यह समस्या वास्तविक है, अर्थात वे समस्या का भी सत्यापन करते हैं और समस्या का सत्यापन करने के लिए वे विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्र करते हैं। वे आंकड़े अध्यापकों से परिचर्चा के आधार पर हो सकते हैं, वे आंकड़े विभिन्न सामग्री जो विभिन्न पत्र पत्रिकाएं विद्यालय में उपलब्ध हैं उनसे संबंधित हो सकते हैं, या वे आंकड़े जो उन्होंने कहीं देखे उससे वे किसी समस्या का सत्यापन करते हैं। जैसे मान लीजिए अचानक से मौसम बदलने पर बारिश का होना। हम सब जानते हैं कि भारत में लगभग मानसून जून से सितंबर तक रहता है, लेकिन जितनी बारिश मानसून में होती है, अगर ऐसी बारिश अचानक किसी ऐसे क्षेत्र में जहां बारिश नहीं होती वह
नवंबर के महीने में हो जाए, अक्टूबर के महीने में हो जाए, और शिक्षक उनको समस्या दे अपने अध्यापकों को कि हवा में दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अचानक बारिश का होना एक नियमित व्यवस्था इस मौसम में नहीं है। तो समस्या क्या है? समस्या है कि छात्रों को अन्वेषण करना है कि क्या इस मौसम में हमेशा सदैव ऐसा दबाव बनता है, प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या ऐसा दबाव बनने पर सदैव बारिश होती है, पूछ सकते हैं। क्या इस दबाव को मापा जा सकता है, पूछ सकते हैं। अक्टूबर के महीने में उस क्षेत्र में विगत वर्षों में क्या कभी बारिश हुई है, उसके आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। तो पहले तो समस्या को समझने के लिए और समस्या के सत्यापन के लिए आंकड़ों को एकत्र किया जाता है, फिर उससे संबंधित जो प्रयोग करने हैं उनके आंकड़े एकत्र होते हैं, कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण होता है और उन परिकल्पनाओं का प्रयोगात्मक आंकड़ों के आधार पर परीक्षण किया जाता है, और परीक्षण के जो परिणाम आते हैं उन परिणामों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। ऐसा करने से अन्वेषण प्रक्रिया आगे बढ़ती है। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि अन्वेषण प्रक्रिया में प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न यदि महत्वपूर्ण है तो वे किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, ये देखा गया है कि खासतौर पर उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, जो छठी से आठवीं तक की कक्षाएं हैं, वहां पर जो सामान्य प्रयोग और सामान्य अन्वेषण की प्रक्रियाओं में बच्चों को लगाया जाता है, उन अन्वेषण की प्रक्रियाओं में बच्चे या तो किसी वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछते हैं या उस वस्तु के गुण दोषों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं या किसी अचानक घटी घटना के संबंधित प्रश्न पूछते हैं या उनको कोई विशिष्ट स्थिति दिखाई दे रही है उस विशिष्ट स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। इन चारों प्रकार के आंकड़े, अर्थात वस्तु के विषय में, गुणदोष के विषय में, घटना के विषय में और स्थिति के विषय में, इनसे संबंधित आंकड़ों से पूछे जाने वाले प्रश्न भी चार प्रकार के होते हैं। एक तो सत्यापन प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक प्रयोगात्मक प्रश्न होते हैं, एक संश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं और कुछ आवश्यकता के संबंधित प्रश्न होते हैं। ये तो बात हुई कि सत्यापन प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, प्रयोग प्रश्न हो सकते हैं और ये किसी भी पक्ष के हो सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वस्तु से संबंधित प्रश्न भी चार प्रकार के हो सकते हैं, सत्यापन, प्रयोग, संश्लेषण, आवश्यकता। गुणदोष से संबंधित प्रश्न भी चार प्रकार के हो सकते हैं, सत्यापन, प्रयोग, संश्लेषण, आवश्यकता। घटना से संबंधित प्रश्न भी चार प्रकार के हो सकते हैं, सत्यापन, प्रयोग, संश्लेषण, आवश्यकता। स्थिति से संबंधित प्रश्न भी चार प्रकार के हो सकते हैं, सत्यापन, प्रयोग, संश्लेषण और आवश्यकता। अर्थात कुल मिलाकर अन्वेषण प्रक्रिया में लगभग 16 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसके द्वारा? शिक्षार्थियों के द्वारा। किससे? आपसे, अर्थात विज्ञान के शिक्षक से। आइए हम कुछ प्रश्नों का उदाहरण लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे यहां पर मैं कुछ सत्यापन प्रकार के प्रश्नों को मैंने सामने रखा है। बच्चे प्रयोगशाला में गया, उसको क्या दिखा? परख नली क्या है? वस्तु है। तो वस्तु संबंधित प्रश्न हो सकता है, परख नली में कौन सा द्रव है? उसने कोई पुष्प उसको दिया गया, पुष्प का रंग क्या है? उसे कहा गया पौधे से एक पत्ती तोड़कर लाओ, पौधे से पत्ती तोड़ने पर क्या होगा? यदि उसको दो परख नलियों में दो द्रव दिए गए हैं तो वह चिंतन कर सकता है कि यदि मैं इन दो द्रवों को मिलाऊंगा, मिश्रित करूंगा, तो क्या होगा? क्या कोई नया द्रव बनेगा? क्या कोई ठोस पदार्थ निर्मित होगा? या यदि मैं पौधे से पत्ती तोड़ लूं, क्या मेरी पत्ती सूख जाएगी? क्या दो द्रवों को मिलाने पर जो द्रव बनेगा क्या उसका रंग बदलेगा? अर्थात अब आप इन प्रश्नों को जरा सा देखें। वस्तु संबंधित प्रश्न है, वस्तु के गुणदोष संबंधित प्रश्न है, ये घटना संबंधित प्रश्न है और ये स्थिति संबंधित प्रश्न है। जैसे क्या पत्ती सूख जाएगी, एक स्थिति है, स्थिति संबंधित प्रश्न है। दो द्रवों को मिलाने पर क्या होगा, ये घटना संबंधित प्रश्न है। नया द्रव मिलेगा या नया ठोस मिलेगा, ये गुणदोष संबंधित प्रश्न है। परख नली में कौन सी वस्तु है, कौन सा द्रव है, ये वस्तु संबंधित प्रश्न है। लेकिन ये सारे प्रश्न सत्यापन प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक, तो अब ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक प्रयोग में प्रत्येक विद्यार्थी आपसे प्रत्येक प्रकार के सत्यापन प्रश्न पूछे। ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। मैंने इन प्रश्नों के माध्यम से उदाहरण के लेकर के ये समझाने का प्रयास किया है
कि सत्यापन प्रकार के प्रश्न कैसे हो सकते हैं। दूसरे हैं प्रयोग संबंधी प्रश्न। अब देखिए, प्रयोग संबंधी प्रश्न वस्तु से जुड़े भी हो सकते हैं। हम द्रव को बदल दें तो क्या होगा, यहाँ प्रयोग होना है। यदि ये द्रव नहीं, कोई दूसरा द्रव ले आएंगे, कुछ और प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, तो ये प्रयोग संबंधी प्रश्न है। लेकिन प्रश्न संबंधित किससे, उस द्रव से। वो द्रव क्या है, एक वस्तु है। क्या सभी पत्तियां एक जैसी होती हैं, वो वस्तु क्या है, पत्ती है। उसको विभिन्न प्रकार की पत्तियां एकत्र करके प्रयोग करना है। उपकरण में क्या उपकरण का पदार्थ बदल देने से द्रव पर प्रभाव पड़ेगा, ये गुणदोष संबंधी प्रश्न है। कि तांबे के बर्तन में रखेंगे, कांच के बर्तन में रखेंगे, पोर्सलिन में रखेंगे, लोहे के बर्तन में रखेंगे, अर्थात जो उपकरण है जिसमें हम प्रयोग कर रहे हैं किसी द्रव पर, यदि उस उपकरण का पदार्थ बदल दें तो क्या होगा। क्या तापमान परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, देखिए तापमान एक घटना है, तापमान एक घटना है। और विद्यार्थी को प्रयोग संबंधी प्रश्न पूछना है कि यदि मैं इस प्रयोग में तापमान परिवर्तित करता हूं तो क्या होगा, तो यह घटना संबंधित प्रश्न है। और ये घटना संबंधित प्रश्न होने के साथ साथ प्रयोग संबंधित प्रश्न है। पत्ती कितने दिनों में सूख जाएगी, यदि कोई बच्चा किसी पत्ती को सुखाने का प्रयोग कर रहा है तो पत्ती को सुखाने के लिए उसको रखना है, ये प्रयोग है। लेकिन कितने दिनों में सूख जाएगी, ये प्रश्न है। क्या तापमान कम करने पर द्रव में वाष्पीकरण होगा या द्रव जम जाएगा, विद्यार्थी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, ये स्थिति संबंधी प्रश्न है। तो फिर से आप देखिए, प्रयोग संबंधी प्रश्न में मैंने आपको वस्तु संबंधी प्रश्नों के उदाहरण दिए, मैंने आपको गुणदोष संबंधी प्रश्नों के उदाहरण दिए, मैंने आपको घटना संबंधी प्रश्नों के उदाहरण दिए, मैंने आपको स्थिति संबंधी प्रश्नों के उदाहरण दिए। तो प्रयोग संबंधी प्रश्न भी चारों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक। तो ये अगले चार प्रकार हुए। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है प्रश्नों का, वह है संश्लेषणात्मक प्रश्न। संश्लेषणात्मक प्रश्नों का मतलब है इसमें विद्यार्थी आपसे वे प्रश्न पूछता है जो प्रयोग के बाद घटने वाला है उससे संबंधित प्रश्न। जैसे आपने दो द्रव मिश्रित किए, उसने पहले आपसे पूछा था ये द्रव क्या है, फिर उसने आपसे पूछा था इन द्रवों को मिलाने से क्या होगा। आपने द्रवों को मिलाया, कोई एक क्रिया हुई, अब वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है ये द्रव एक की बजाय मैं कोई दूसरा द्रव डाल दूं तो भी क्या यही क्रिया होगी। अर्थात उसके मन में ये विचार बन रहा है कि पहले जो संश्लेषित हुआ पदार्थ क्या वही पदार्थ बनेगा। या बीजों के जमने से संबंधित है, आपने कहा इस बीज को आपको गमले में जमाना है, 10 दिन तक रखना है, बच्चा आपसे प्रश्न पूछ सकता है क्या सभी बीज एक जैसे ही जमेंगे, क्या सेम का बीज उतने ही दिन में उगेगा जितने दिन में आम का बीज उगेगा। बहुत प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न प्रयोग के बाद की घटना से संबंधित हैं, प्रयोग के निष्कर्ष से संबंधित हैं, इसलिए ये संश्लेषणात्मक प्रश्न है। द्रवों के किस गुण के कारण नए द्रव में परिवर्तन दिखा, मान लीजिए आपने कोई दो द्रव मिलाए और उन दो द्रवों के मिलाने से जो नया द्रव बना उस द्रव में रंग परिवर्तित हो गया, उस द्रव में आयतन परिवर्तित हो गया, उस द्रव में गंध परिवर्तित हो गई, तो वो आपसे पूछ सकता है ये परिवर्तन किस गुण के कारण हुआ। यह पत्ती सूख गई, पत्ती सूखने के बाद ऐसा कौन सा पत्ती का पदार्थ था जो समाप्त हो गया, क्योंकि जब पत्ती सूखी नहीं थी तब तो हरी पत्ती थी, आपने उसको पत्ती को सुखाने को कहा, कुछ दिनों बाद जब वो आया तो आपने क्या देखा, उसने आपको दिखाया कि पत्ती तो रंगहीन हो गई, यह पत्ती ब्राउन हो गई। तो भूरी पत्ती हो जाना या रंगहीन पत्ती हो जाना और हरी पत्ती होने में कौन सा पदार्थ समाप्त हो गया, कौन सा परिवर्तन हुआ। या उसने किसी प्रयोग में मापन किया, भौतिक विज्ञान के प्रयोग में वो मापन कर सकता है, आप उससे किसी चूड़ी की गोलाई नापने को कह सकते हैं, सिक्के की मोटाई नापने को कह सकते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं में ऐसे ही प्रयोग होते हैं जो आप कक्षा में कराते हैं। तो उस समय यदि उसको मापन उसका ठीक नहीं हुआ, उसने जो आंकड़े लिखे उसमें कोई गलती है, तो क्या त्रुटि हुई, या पत्ती वो सुखा रहा था तो उसमें क्या प्रक्रिया उसे अपनानी चाहिए थी, या बीज के जमने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं यह संश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्न कहलाते हैं। और जो अंतिम प्रकार के प्रश्न हैं जो अन्वेषण प्रक्रिया में पूछे जाते हैं, वे प्रश्न हैं आवश्यकता प्रश्न। आवश्यकता प्रश्न वो विद्यार्थी तब करता है जब प्रयोग पूरा हो जाता है, प्रयोग का निष्कर्ष उसके सामने आ जाता है, फिर भी उसके मन में प्रश्न खड़े उठ जाते हैं। जैसे वो आपसे पूछ सकता है क्या इस प्रयोग में पत्ती को सुखाना आवश्यक था, क्या पत्ती को बिना सुखाए प्रयोग कर सकते थे, या यदि आप रसायन संबंधी कोई प्रश्न प्रयोग कर रहे हैं तो वो कह सकता था कि क्या नए द्रव के गुण पुराने द्रवों के कारण थे या नए द्रव के गुण किसी अन्य कारण से थे, क्या बीज के जमने के लिए पानी आवश्यक था, क्या हम पानी नहीं डालते तो बीज जमता, क्या जब आपने उसने मान लीजिए आपने उसके सामने कोई प्रयोग किया और उसने देखा कि आपने दोनों द्रवों को एक बर्तन में एक साथ डाला, वो आपसे प्रश्न कर सकता है दोनों द्रवों को एक साथ डालना आवश्यक था क्या,
क्या हम पहले एक द्रव और फिर दूसरा द्रव डाल सकते थे क्या? तो प्रश्नों के बहुत प्रकार होते हैं, आवश्यकता केवल एक बात की है कि विज्ञान अध्यापक को अपनी शैली में जो सबसे बड़ा परिवर्तन करना है वो ये करना है कि वो प्रश्न पूछने वाला नहीं होना चाहिए, वो प्रश्नों के उत्तर देने वाला होना चाहिए। प्रश्न पूछने का काम शिक्षक की बजाय शिक्षार्थी को करना है। शिक्षार्थी के प्रश्न बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 16 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो शिक्षार्थी एक अन्वेषण प्रक्रिया में आपसे पूछ सकता है। इस प्रक्रिया के लाभ बहुत हैं। पहला लाभ यह है, जब विद्यार्थी अन्वेषण प्रक्रिया में भाग लेता है या जब विद्यार्थी के विज्ञान के शिक्षण अधिगम में आप अन्वेषण उपागम का प्रयोग करते हैं, तो यह बच्चे में मुक्त चिंतक को पोषित करता है। मुक्त चिंतक कौन होता है? मुक्त चिंतक वह विद्यार्थी जो बिना किसी प्रभाव के, न तो अध्यापक के प्रभाव के, न संगी साथी के प्रभाव के, मुक्त रूप से सोच सके किसी घटना के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, जो पदार्थ उसके सामने हो रहा है उसके विषय में, जो प्रयोग उसके सामने किया जा रहा है उसके विषय में, तो मुक्त चिंतक उसको बनाता है अन्वेषण उपागम। साथ ही अन्वेषण उपागम में, मैंने प्रारंभ में ही कहा था, जब आपसे अन्वेषण उपागम की मैंने चर्चा प्रारंभ की थी, तब मैंने कहा था कि शिक्षार्थियों को जांच प्रक्रिया में ये संलग्न करता है, अर्थात शिक्षार्थी किसी घटना की जांच स्वयं करते हैं, चाहे वो पत्ती के सूखने की घटना है, चाहे वह दो द्रवों के आपस में मिलाने की घटना है, चाहे वह सिक्के का मोटाई नापने की घटना है, चाहे मौसम में परिवर्तन की घटना है, चाहे बारिश होने की घटना है, कोई भी घटना जिसकी चर्चा आप अपनी कक्षा में कर रहे हैं, उस घटना की जांच प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को संलग्न करता है अन्वेषण उपागम। और ये तो अब आप समझ ही गए हैं कि अन्वेषण उपागम का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये लाभ है कि ये विद्यार्थी को प्रश्न निर्मित करने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये विद्यार्थी को प्रश्न पूछने वाला बनाता है। और जब तक विज्ञान का विद्यार्थी प्रश्न निर्मित नहीं करता, जब तक विज्ञान का विद्यार्थी प्रश्न पूछना प्रारंभ नहीं करता, तब तक वह विज्ञान को समझना प्रारंभ नहीं करता। विज्ञान ऐसा विषय नहीं है कि अध्यापक उसको कहीं से लाए, विद्यार्थियों के समक्ष उड़ेल दे और विद्यार्थी उसे ग्रहण कर लें। विज्ञान अपने मस्तिष्क में जब तक उद्वेलन नहीं होते हैं, जब तक प्रश्न निर्मित नहीं होते हैं, तब तक विज्ञान को समझना असंभव होता है। तो प्रश्न निर्मित करने और पूछने को अन्वेषण उपागम प्रोत्साहित करता है। एक और इसकी खूबी है, अन्वेषण उपागम विद्यार्थी को यह बता देता है कि ज्ञान स्थायी नहीं है। आपने जब कभी विज्ञान के गुणों पर चर्चा की होगी, विज्ञान की प्रकृति पर चर्चा की होगी, तो आपके समक्ष ये बात अवश्य आई होगी कि विज्ञान की प्रकृति अस्थायी होती है। विज्ञान अस्थायी नहीं होता। विज्ञान के न तो सिद्धांत स्थायी होते हैं, विज्ञान की न तो घटनाएं स्थायी होती हैं, सिद्धांतों घटनाओं की व्याख्याएं भी स्थायी नहीं होती हैं। विज्ञान में बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। जब आवर्त सारणी निर्मित हुई, तब शायद सोचा गया कि विश्व में केवल, प्रकृति में केवल 60 ही तत्व होंगे। फिर 60 से 65 हुए, 65 से 70 हुए, आज 100 के ऊपर तत्व हैं। आवर्त सारणी निरंतर बदलती चली गई है। दूसरा उदाहरण है परमाणु का संरचना। पहला मॉडल तरबूज मॉडल था, फिर तरबूज मॉडल के बाद एक दूसरा मॉडल आया, दूसरे मॉडल के बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद क्वांटम थ्योरी आई। तो देखिए, उसकी भी बदलती चली गई स्वरूप। तो विज्ञान में जो स्वरूप है ज्ञान का, वो अस्थायी है। एक व्याख्या आ जाई है, कल उसकी दूसरी व्याख्या आ सकती है, फिर उसकी एक अन्य व्याख्या आ सकती है। तो बच्चे जब प्रश्न करते हैं, बच्चे जब इसको अध्ययन करते हैं, तो अन्वेषण उपागम के माध्यम से वो ये जान लेते हैं कि ज्ञान का स्वरूप स्थायी नहीं होता। और चूंकि वे निरंतर स्वयं ज्ञान का सृजन करते हैं, इसलिए ऐसे में जो अधिगम है वो बहुत चुनौतीपूर्ण और आनंदमय हो जाता है। और अंत में जो मैंने चर्चा के प्रारंभ में बात कही थी कि अन्वेषण उपागम बच्चों को कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यद्यपि इसके बहुत लाभ हैं, किंतु फिर भी अन्वेषण उपागम की कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा करना भी आवश्यक है। पहली सीमा यह है कि बच्चों को प्रश्न बनाने नहीं आते, प्रश्न निर्मित करने नहीं आते। विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को सही प्रश्न निर्मित करने और उन्हें पूछने के अभ्यास में समय लगता है।
तो आपको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है कि आपके विद्यार्थी सही प्रश्न निर्मित करना सीख जाएं और सही प्रश्न पूछना सीख जाएं। दूसरी बात, जैसा कि किसी भी विषय के साथ होता है, विज्ञान के साथ भी वही है कि विज्ञान विषय की प्रत्येक इकाई को अन्वेषण उपागम से नहीं पढ़ाया जा सकता। अन्वेषण उपागम से वही इकाई पढ़ाई जा सकती है जो अन्वेषण उपागम के लिए बनी है। कई बार यदि बच्चे निरंतर प्रयास करें, विषय कठिन हो और उन्हें संतोषजनक समाधान ना मिले तो उन्हें निराशा हो जाती है। फिर भी इन सीमाओं के रहने के बावजूद एक विज्ञान अध्यापक होने के नाते मैं ये समझता हूँ और एक विज्ञान अध्यापक होने के नाते मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप अन्वेषण उपागम की खूबियों को पहचाने। 6, 7, 8 की पाठ्यपुस्तकों में ऐसे बहुत सारे विषय हैं, ऐसी बहुत सारी इकाइयां हैं जिनको अन्वेषण उपागम के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। आप उन पर अन्वेषण उपागम का प्रयोग करें, अपनी कक्षा में बच्चों को प्रश्न निर्मित करने के अवसर दें, उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने का अभ्यास कराएं। निश्चित ही आपके बच्चे अन्वेषण उपागम में एक आनंदपूर्वक अध्ययन का आनंद लेंगे। आपने मेरी इस चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।